Hello dear students and also English learners, welcome to this class and this is Ankit from English 1 to 6 with Ankit, and today we are going to learn unit 57, and unit 57 is about do and make. Do and make के बीच में क्या differences होता है, कहाँ कहाँ पर हम इनका use करते हैं, सारी चीजें आज की class में सीखेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज की class, let's get started. Okay. Do and make. Do is a general word for action. Do एक general word है action के लिए. कोई भी हम काम करते हैं, action लेते हैं, वहां पर हम do का प्रयोग करते हैं. चलिए देखते हैं आगे. What are you doing? What are you doing this evening? आप इस शाम क्या कर रहे हैं? और जो ये what are you doing है, और ये सारी चीजें पहले हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इससे पहले 56 यूनिट हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो उनको जाकर देखिए, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक रुपए नहीं लगेगा और आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी वहां पर मिल जाएगी. आपको सेक्शन मिल जाएगा प्ले लिस्ट में एसेंशियल ग्रामर एंड इंग्लिश का, तो वहां पर जाएंगे आप तो आपको वहां पे 56 वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं. ओके, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आप इस शाम क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पे डू, डू इज ए एक्शन, तो डू है क्या, एक्शन यहाँ पे लिया गया है. आगे, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं. नो इट्स ओके, आई विल डू इट, मैं कर लूंगा, रहने दो, कोई बात, इट्स ओके. एंड ओके, राचल्स जॉब इज वेरी बोरिंग. राचल की जॉब बहुत ही बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉट इंटरेस्टिंग है, तो वो बोरिंग है. जो चीजें इंटरेस्टिंग नहीं है तो उनको हम बोरिंग कहते हैं, बोरिंग उस वर्ड का यूज होता है. She does the same thing every day. वो डेली सेम काम करती है, बिल्कुल डेली एक ही काम करती है, इसलिए उसकी जॉब बोरिंग है. नेक्स्ट, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यस्टरडे. आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यस्टरडे, इसका मतलब यह है कि कल मैंने बहुत कुछ किया है, या बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारे काम किए. ओके, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, जब हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमेशा हम जब दूसरे के बारे में जानते हैं कि आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका काम क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस फील्ड में काम करते हैं, तो उस चीज को जानने के लिए हम ये सेंटेंस का यूज करते हैं हमेशा. व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. व्हाट्स योर जॉब, आपकी जॉब क्या है, आपका काम क्या है. वही, व्हाट डू यू डू. ओके, तो आंसर है यहाँ पे, आई वर्क इन ए बैंक. मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप जीने के लिए क्या काम करते हैं. व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन ए बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूँ, इससे मनी मुझे मिलता है, इससे मुझे पैसे मिलते हैं, उससे मेरा खर्च होता है. आई वर्क इन ए बैंक. आगे, मेक एंड प्रोड्यूस एंड क्रिएट, अब इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे. मेक कहाँ पे यूज होता है, और प्रोड्यूस कहाँ पे यूज होता है, और क्रिएट कहाँ पर यूज होता है, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, She is making coffee. यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल सकते, She is creating coffee. She is making coffee. वह कॉफी बना रही है. She made a cake. उसने एक केक बना दिया है, बनाया है. They make umbrellas. वे छाता बनाते हैं. वो छाते का काम करते हैं, छाता बनाते हैं. They make umbrellas. वह छाता बनाते हैं. It was made in China. यह चाइना में बनाया गया था. ओके, आगे,
नेक्स्ट अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं डू एंड मेक, डू एंड मेक को कंपेयर करते हैं, डू एंड मेक को हम यहां पे लेते हैं। अभी हमने यहां पे देखा प्रोड्यूस क्रिएट, ठीक है, तो देखते हैं कंपेयर डू एंड मेक, कंपेयर डू एंड मेक। आई डिड अ लॉट यस्टरडे, मैंने कल बहुत कुछ किया, आई डिड अ लॉट यस्टरडे, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यस्टरडे, ठीक है, आई डिड अ लॉट यस्टरडे, मैंने कल बहुत कुछ किया। आई क्लीन्ड माय रूम, मैंने अपना रूम साफ किया, आई क्लीन्ड माय रूम, मैंने अपना रूम साफ किया। आई क्रिएट, सॉरी, आई रोट सम लेटर्स, और मैंने कुछ पत्र लिखे, कुछ लेटर्स लिखे। एंड आई मेड ए केक, और एक मैंने एक केक बनाया। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, जब आप फ्री होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं है, जब काम से आपको फुर्सत होती है, तब आप क्या करते हैं। What do you do in your free time? जब हम इंग्लिश में किसी से बातचीत करते हैं तो एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप उससे पूछते हैं What do you do in your free time? तो वो बताएगा कि मैं जो मेरी हॉबीज हैं, या कोई गेम खेलते हैं, या इंडोर गेम या आउटडोर गेम, किसी तरह से गेम हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो फ्री टाइम में लोग करते हैं, जिनको करना पसंद होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, स्पोर्ट्स, रीडिंग, हॉबीज, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। आई मेक क्लोथ्स, मैं कपड़े बनाता हूं। आई मेक क्लोथ्स, आई मेक ड्रेसेस एंड जैकेट्स, मैं जैकेट्स, ड्रेसेस और जैकेट्स बनाता हूं, ठीक है, कपड़े में दोनों चीज आ गए, ड्रेसेस एंड जैकेट, में कपड़े बनाता हूँ, कपड़े में क्या क्या, ड्रेसेस एंड जैकेट्स, ओके। आई आल्सो मेक टॉयज फॉर माय चिल्ड्रन, और मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने भी बनाता हूँ। तो इस तरीके से ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, तो अब देखते हैं आगे की क्लास। चलिए देखते हैं आगे की क्लास। यस, अब हम देखेंगे एक्सप्रेशंस विद डू, डू के साथ एक्सप्रेशंस देखेंगे इस तरीके से। ओके, डू डू एन एग्जाम, डू एन टेस्ट, डू ए कोर्स, डू होमवर्क, डू हाउसवर्क, do somebody a favor, do an exercise, okay। अब देखते हैं examples। I am doing my driving test next week, मैं अपना driving test दे रहा हूं या कर रहा हूं next week। John has just done a training course, जॉन ने अभी एक ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है या कर लिया है। आवर चिल्ड्रन हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, हमारे बच्चों को बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। आई हैड डूइंग हाउसवर्क, मुझे घर के काम करना पसंद नहीं है, इसलिए आई हेट नॉट हैड। So could you do me a favor? यहां पर आप किसी का फेवर कर रहे हैं, किसी का साइड ले रहे हैं, या फिर so क्या आप मुझ पर एक एहसान करें, तो ये इस तरीके से भी सेंटेंस कहा जा सकता है। I go for a run and do exercise every morning, मैं रोज सुबह दौड़ने और एक्सरसाइज करने जाता हूं।
अब देखते हैं ऑल्सो डू द शॉपिंग डू द वॉशिंग अप एंड डू द आयरनिंग आयरनिंग मतलब इस्त्री करना ओके शॉपिंग करें वॉशिंग करें और इस्त्री करें आयरनिंग डू द कुकिंग खाना बनाएं आई डिड द वॉशिंग मैंने धुलाई की बट आई डिडंट डू द शॉपिंग लेकिन मैंने शॉपिंग नहीं की खरीदारी नहीं की तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई डाउट नहीं होगा तो अब देखते हैं आगे का यस एक्सप्रेशंस विद मेक मेक ए मिस्टेक मेक एन अपॉइंटमेंट मेक ए मिस्टेक मेक ए फोन कॉल मेक ए लिस्ट मेक ए नॉइस मेक ए बेट ओके अब देखते हैं एग्जाम्पल आई एम सॉरी आई मेड ए मिस्टेक मुझे माफ करें मुझसे गलती हो गई आई मेड ए मिस्टेक आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट मुझे एक अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत है ओके टू सी द डॉक्टर मुझे डॉक्टर से मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत है इस तरीके से एक्सक्यूज मी आई हैव टू मेक ए फोन कॉल एक्सक्यूज मी मुझे एक फोन कॉल करना है Have you made a shopping list? क्या आपने शॉपिंग लिस्ट बना ली है Next. Sometimes. Okay. It's late. Don't make a noise. देर हो चुकी है कृपया शोर ना मचाएं या शोर ना मचाएं Yes. Sometimes I forget to make my bed in the morning. कई बार मैं सुबह या कभी कभी सुबह मैं अपना बिस्तर लगाना भूल जाता हूं नेक्स्ट वी से मेक ए फिल्म बट आई टेक ए फोटो टेक ए पिक्चर व्हेन वाज दिस फिल्म मेड यह फिल्म कब बनी व्हेन वाज द फोटो टेकन फोटो कब लिया गया तो इस तरीके से ये डू और मेक का आज की क्लास भी खत्म तो आई होप आपको समझ आई होगी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी देख लें क्योंकि ये है यूनिट 57 और इससे पहले 56 क्लास हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद